अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com, विजिट करें अभी www.rozgarkikhoj.com। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए, दिल्ली मेट्रो में नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में आप सभी भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, आप सभी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधा आप सभी का इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन रहने वाला है। आपके यहाँ पर 70,000 रुपये से सैलरी की स्टार्टिंग रहने वाली है। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बात करना। साथ ही इसी प्रकार की ऑफलाइन और ऑनलाइन भर्तियों की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस समय आप सभी यूट्यूब पर देखते होंगे कि दिल्ली मेट्रो की फर्जी भर्तियां बहुत ज़्यादा निकाली जाती हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के ही माध्यम से ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करेंगे दिल्ली मेट्रो रिक्रूटमेंट। इसके बाद आप सभी के सामने जो dailymetrorail.com की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप सभी के सामने नज़र आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन पर आपको दिखेगा DMRC कैरियर। आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका डोमेन रहना चाहिए वो आपके dailymetrorail.com का ही रहना चाहिए। इसके बाद आप सभी इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये वेबसाइट लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेती है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा प्रारूप और यहाँ पर दिखेगा आपको रिक्त पद। आप सभी को क्या करना है, रिक्त पद पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी रिक्त पद पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने पब्लिक नोटिस भी आ जाएगा, जिसमें आपको वही फेक भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है कि सोशल मीडिया पर और अन्य स्थानों पर ऐसे धोखाधड़ी के मामले चलते रहते हैं, जिनमें आपको नौकरी दिलाने का झूठा आपसे वादा किया जा सकता है, तो आप सभी इनका बचकर रहें। ऐसे कुछ कोचिंग संस्थान और एजेंट भी होते हैं जो आपको नौकरी दिलाने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसे इनसे सभी से बचकर रहें। आप यहां पर dailymetrorail.com की ऑफिशियल वेबसाइट से सभी भर्तियों की सूचना चेकआउट करें। आप सभी को क्या करना है, इसको आपको यहां पर हटा देना है। इसके बाद आप सभी को इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपकी जो यहाँ पर भर्ती निकली हुई है वो आपकी कई पोस्टों पर निकली हुई है। ये आपकी सभी एक्टिव भर्तियाँ हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको कैसे नोटिफिकेशन, कैसे आपको ऑफलाइन फॉर्म इन भर्तियों का मिलेगा। कि सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जितनी भी आपको यहाँ पर भर्तियाँ दी गई हैं आप सभी की एक एक करके क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप सभी चेक कर लेंगे। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि आपको क्वालिफिकेशन कैसे चेक करनी होगी। आपको यहाँ पर ये दिखेगा, आपको जो नीले कलर का आपको दिख रहा है, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप सभी के सामने नज़र आ जाएगा। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि आपका इस नोटिफिकेशन को कब जारी किया गया है। तो अभी इस नोटिफिकेशन को रिसेंट में जारी किया गया है, 15 जनवरी 2024। इसी प्रकार आपको वहाँ पर कई आपकी भर्तियाँ निकली हुई हैं। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी आपकी रिक्रूटमेंट निकली हुई है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। और यहाँ पर आपको देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इनमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। देखिए आपकी स्टोर मैनेजर की पोस्ट है, फाइनेंस सुपरवाइज़र की पोस्ट है, एचआर सुपरवाइज़र की पोस्ट है। यहाँ पर स्टोर की आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई, बैचलर डिग्री, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज रहनी चाहिए वो आपकी 55 साल रहनी चाहिए, आप 18 से 55 साल तक आवेदन कर पाएंगे। इस प्रकार आप सभी, सब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे। और जो आपकी यहाँ पर देखिए सैलरी की स्टार्टिंग है, आपके यहाँ पर 67,000 से रहने वाली, 2,08,700 रुपये तक आप सभी की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आपके यहाँ पर पोस्ट वाइज आपकी अलग अलग आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। आपके यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी अलग अलग ही सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप सभी को इस भर्ती के लिए ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा और यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आप सभी का सिलेक्शन होगा। और आप सभी इस इंटरव्यू की लिस्ट को चेक करने के लिए आप यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट को चेकआउट करते रहें। आप सभी को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको अपने फॉर्म को
स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एड्रेस पर। वो एड्रेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए जो आपकी अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024 में। जो आपके जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जिनका भी इंटरव्यू होगा, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके इंटरव्यू की लिस्ट आपकी यहां पर dailymetrorail.com की वेबसाइट पर आ जाएगी। और आप सभी 2 फरवरी 2024 तक यहां पर आवेदन कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी यहां पर फरवरी के महीने में आ जाएगा। यानी काफ़ी जल्दी आपके यहां पर प्रोसेस रहने वाली। और जो आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपकी 30 जनवरी 2024 रहने वाली है। और ये आपका सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। इस एड्रेस पर आप सभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देंगे। अभी देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाएंगे। देखिए मैंने आप सभी को क्या किया है, आप सभी को यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेंगे दिल्ली मेट्रो को ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप सभी इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और भी आपकी कई रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं, आप सभी उनकी क्वालिफिकेशन चेकआउट करेंगे। यदि आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई ज़रूर करना है। और आप सभी का कोई भी सवाल जवाब रहता है या जैसे इसकी लिस्ट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, या अन्य कोई भर्ती आएगी दिल्ली मेट्रो की तो उसके लिए भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। Yeah!